ये है स्टेशन जो कि किचकवत का स्टेशन है। ये देखो भाई लोग, जो कि दो बंदा ना लड़ाई कर रहा है खेत में। देखो मेरे सामने जो कि देख सकते हो, जो कि भी मेरे सामने जो कि सनलाइट देख सकते हो, कितना अच्छा दिख रहा है लाइक सनलाइट को। एंड यही है कुछ नजारा तो भाई, इतना सारा ईट है यहाँ पे जो कि राज दरबार का है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। कैसे मिल टू फैमिली, होप आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एंड मैं एकदम बढ़िया हूँ। सो आज मैं आया हूँ जो कि देख सकते हो, ये जो कि घूमने को आया हूँ यहाँ पे, ये प्लेस का नाम जो कि नेपाल एंड इंडिया के बॉर्डर के सामने मेरे सामने है, जो कि देख सकते हो जो कि भी मेरे सामने किचक है ये, और ये है भीम, जो कि भीम ने अभी किचक को पूरा किचक डाला है उसके सामने। ये इसका हथौड़ा देखो भाई, एट पैक्स है इसका। तो इधर को थोड़ा घूमने को आया हूँ, सो नज़ारा चेक करो, हरा भरा नीचे का सीन देखो। और यहाँ पे है जो कि टेम्पल मंदिर, यहाँ पे चेक करो भाई, जो कि ये सामने जो देख रहे हो ना ईट, जो कि बहुत सारा ईट है ना वहाँ पे, वो सब ना यहाँ जो जमीन के नीचे से ना खोद के निकाला गया है, ऐसा सुना है मेरे को, ऐसा सुनने में आया है ठीक है। एंड बहुत सोना चांदी बहुत कुछ मिला है, ऐसा ही सुनने को मिला है, मुझे तो पता नहीं था बट अभी पता चला है। जो कि आगे देख सकते हो ईट, ये जो ईट है ना भाई लोग, ये सब जमीन से खोद के निकाला गया है। यहाँ पे तो मैं पहली बार आया हूँ, मुझे इतना पता नहीं था, जो कि भाभी जी ने बताया है मुझे, तो पता चला मुझे। तो अभी दिखाते हैं आगे जाके थोड़ा भाई, इतना सारा ईट है यहाँ पे जो कि राज दरबार का है। इससे तो पूरा बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा। देख लो राज दरबार का जो कि ईट, यही जगह है जो कि भीम ने, यहाँ पे देखो जो कि इस प्लेस का जो कि रखवाला करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा थाना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो जो कि यहाँ पे पहले ना लाइक राजमहल था, जो कि खोद कर निकाला गया है यहाँ पे। ये देख लो, और आगे छोटा सा एक पार्क भी है, और देख सकते हो जो कि पार्क का नजारा यहाँ पे है, घोड़ा टॉय वो, इसका तो गर्दन ही लंबा है रे इसका जिराफ। उधर है जोन बनेगा डोन चिंगम सर डॉक्टर झटका एंड घसीटा, हाथी भी है। सो अभी हम भी एक छोटा सा हम यहाँ पे दौड़ के ला मत त्या जानु सकते मैला मैला होला मैं लुगा यहाँ मैला पार्यो
पूरा साफ हो गया वहाँ था शेड़ी। इधर का सीन जो कि नजारा चेक करो। सो ये है जो कि मोटू एंड यहाँ है पतलू एंड अभी अपन यहाँ पे वेलकम टू किचन कुबा क्या नाम है ऐसा यहाँ पे तो अच्छा है रे। और यहाँ पे है एलिफेंट जो कि रियल से दिखता है बड़ा है और ये है इसका दांत है। मुँह किधर है तुम्हारा किचक बत जगह बहुत अच्छा है जो कि किचक बत का। सो आप लोगों को ये प्लेस कैसा लगा और ये है जो कि यहाँ सामने घोड़ा है चार और पानी भी है गंदा है थोड़ा एंड यहाँ पे एक छोटा सा जो कि रोटी पिंग भी है देख सकते हो एंड आगे है रेल। यहाँ पे देखो गर्दन बहुत लंबा हो गया इसका एंड यहाँ पे है ट्रेन जो कि अंदर नहीं जा सकता है क्या जाता है। ये है स्टेशन जो कि किचकबत का स्टेशन है ये। देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा ट्रेन पलट गया होगा इसीलिए बाहर है। ये है किचकबत का छोटा सा स्टेशन एंड यहाँ पे है रेल देख सकते हो। देखियो मेरे भाई लोग ये है ट्रेन यहाँ पे बैठ सकते हो किचक बात पे आके बैठ सकते हो। और यहाँ का ये जो छोटा छोटा धूपी का पेड़ है ना ये बहुत अच्छा लगा मुझे। सो अभी चलते हैं किचक बात पे जो कि आगे दिख रहा है ना वहीं पे ठीक है। एंड हमारे सामने एक राइनो है जो कि देख सकते हो राइनो पेंटिंग किया गया है न्यू। अभी पूरा गंदा हो चुका है देख सकते हो किचकबत में। और यहाँ पे है किचकबत देख सकते हो किचकबत और यहाँ पे देख सकते हो ऐसा ही कुछ नजारा है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे घसीटाराम सिंघम सर जोन बनेगा डोन उधर डॉक्टर झटका। और यहाँ पे हमारे भैया और भाभी वन और यहाँ पे दोनों भाभी झूला झूल रहे या हंस रहा है देखो कितना हंसता है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई जो कि एरोप्लेन यहाँ पे ठीक है जिसको भी फ्लाइट बुक करना हो तो यहाँ पे आके कर सकते हो एक एक प्राइवेट जेट। एंड अभी हम खड़े हैं जो कि किचक बात में ठीक है सब यहाँ पे थोड़ा लेंगे सेल्फी वेल्फी एंड यहाँ पे पूरा पार्क का नज़ारा चेक कर सकते हो। सो मैं अभी जस्ट आके थोड़ा घूम के ना लाइक फोटो खींचने के लिए यहाँ पे आया हूँ जो कि अभी यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक करेंगे। और यहाँ पे सामने देख सकते हो जो कि राइनो है एंड हमारे सामने जो कि देख सकते हो ये है खरगोश। ये पूरा देख सकते हो नज़ारा कितना अच्छा है पार्क का बट यहाँ पे डेली साफ करना चाहिए देख सकते हो बहुत ही पत्तियाँ गिर चुका है एंड यहाँ पे लाइक साफ नहीं किया गया है। साफ होता तो कितना अच्छा दिखता लाइक ये देखो यार कितना अच्छा अच्छा है यहाँ पे सामान वगैरह
जो कि भीम ने किचक को मार डाला था, ठीक है, किचक को मतलब पटक पटक के घुसा मार के। लोग अभी यहाँ का जो कि क्लोज से नज़ारा देखो, ठीक है, जो कि अभी स्टार्ट है, जो कि मेरा ही लेडर से जो कि स्टार्ट है यहाँ से। अभी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं पता है? पता नहीं है मुझे भी, वो अभी भाभी जी बता देंगे। अभी हम जोलुंगे पुल जा रहे हैं, उधर से नेटियस ने भाभी बोला। भाभी जी को हिंदी उतना आता नहीं है लेकिन बहुत अच्छा बात करते हैं, आप लोग आगे सिखा देना, ठीक है। सो ये नज़ारा अभी ख़त्म हो गया, तो अभी जाने वाले हैं जो कि जोलुंगे पुल में। उसी ब्रिज में हम लोग थोड़ा सा एक फोटो वोटो क्लिक करेंगे एंड आप लोगों को वीडियो भी दिखाएंगे, ठीक है, सामने से जाके दिखाएंगे। चलो, ये है जो कि यहाँ का जो कि रास्ता है एक छोटा सा, एंड यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो खाना वाना खाने के लिए। ये सामने एक छोटा सा कैंटीन है, वहीं पे आके खा सकते हो, अगर नहीं मिला तो इस अंडे को खा लेना, ठीक है, जो कि नीला पीला सब कलर का है। तो अभी यहाँ से निकल रहे फटाफट, आगे ये जो ईंट दिख रहा होगा वो तो आप लोगों को मैंने बता दिया, अगर आप लोग भरोसा नहीं करते हो तो यहीं पे आके पूछ सकते हो, ठीक है। और ये था पहले का राजमहल बोलता है, हमको तो नहीं पता है, जो याद है वही बोल दिया, ठीक है, जो सुना वही बोल दिया। एंड अभी जा रहे जो कि जोलुंगे पुल में, एंड अभी आप लोगों को वहीं पर जाके दिखाता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना है, जो भी चैनल न्यू हो सब्सक्राइब करो फटाफट, चलो वहीं पर जाके मिलाता हूँ। तो भाई लोग अभी आ चुके हैं, जो कि देख सकते हो वो दूर जो दिख रहा है ना जोलुंगे पुल है, वो जो कि जोलुंगे ब्रिज बोलते हैं, एंड जो उस पार जो नदी दिख रहा होगा आप लोगों को, नदी के उस साइड ना इंडिया है एंड इस साइड नेपाल है, जो कि अभी सामने आ चुके हैं जो कि बॉर्डर के सामने। एंड हमारे सामने है भीमंगल जो कि अभी किचक को पिचका रहा है हाथ से, और यहाँ पे देख सकते हो मंदिर वगैरह, एंड वहाँ पे जल भी है, वो पानी का क्या है बोलिए ना, मसला क्या है? मुझे हिंदी तो नहीं आती, नेपाली में, नेपाली में बोल दीजिए। तो भीमले किचक मारेर त्यहाँ पानी उब्जेको अरे, त्यही मान्दै त्रिशूल सबैले त्यही पूजा गर्छ। यहाँ पे हमारे भीम को देख सकते हो, एंड यहाँ पे किचक को अभी बहुत पिचका रहा है, यहाँ पे उसका गधा है सामने, एंड अभी जा रहे हम लोग उस तालाब के सामने। सो आप लोग को वहीं पे जाके इसका पूरा इन्फॉर्मेशन जो कि डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है। जो कि भाभी को उतना हिंदी बोलना नहीं आता है बट हमको तो आता है, सो भाभी के मुँह से सुन के मैं बोल दूँगा कि क्या मसला है उस तालाब के बारे में, ठीक है। वहीं पर जाके मैं आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि आप लोग घर बैठे बैठे वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, फटाफट लाइक करो, एंड जो भी चैनल न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, आपके भाई को और सपोर्ट दिखाओ। गाइस क्या करते हो यार, तुम लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरे को बहुत दुख लगता है यार वीडियो बनाने में भी। फिर भी आपका भाई इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए जो कि इंडिया से नेपाल आके वीडियो बना रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो गाइस, और क्या चाहिए आपको, फटाफट सब्सक्राइब करो, ठीक है, दिल से बोल रहा हूँ लोग सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़ करो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कि तालाब के सामने हंस चुके हैं, सो कि यहाँ पे चेक करो भाई लोग, जो कि कमल का फूल है यहाँ पे, एंड इसका जो मसला है ना ये लाइक क्या हुआ था यहाँ पे, कि जो वहाँ पे ना लाइक भीम ने जो कुचक को मारा उसके बाद यहाँ पे आके ना लाइक त्रिशूल कुछ ऐसा ही चीज यहाँ पे लाइक दबा दिया था, जिसके कारण ये पानी बाहर आया है ऐसा बोलते हैं यहाँ के लोग। मुझे भी उतना तो पता नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है मैंने उतना ही आप लोगों को बता दिया है, लेकिन ये सच है या झूठ वो तो मैं नहीं जानता, जो मैंने सुना वही बोल दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताओ ज़रूर, ठीक है, ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे भी तो पता चले, ठीक है। सो अगर ये वीडियो नेपाल से देख रहे हो तो ज़रूर बताना इसके बारे में क्या मसला है। सो अभी पहुंच चुका हूँ जो कि आप लोगों को दिखाने के लिए, जो कि है जोलुंगे पुल बोलते हैं हम लोग नेपाली में, एंड जो कि है लाइक ब्रिज है ये एक, जो कि पूरा देख सकते हो लोहे का है, एंड यहाँ से बाइक भी पार होता है एंड साइकिल सब पार होता है, यहाँ पे इतना हिलता नहीं है ज़्यादा, बट यहाँ का ना लाइक मज़ा आता है यार, इतना सुकून मिलता है, हवा कितना अच्छा आता है,
नीचे देखो। और हम यहाँ पे अभी फोटो क्लिक करके जाएंगे, ठीक है। हिल रहा है अभी तो, हिल रहा है अभी तो, नहीं हिल रहा था अभी, मैं खुद हिल रहा हूँ यार, रिक्शी लग रहा है यहाँ पे चलने में। हाँ भाजी, और नीचे चेक कर सकते हो जो कि नदी है नीचे, इधर से चेक करो नदी कि देवनिया नदी है ये। एंड अभी अंकल जी आ रहा है साइकिल में, और यही है ब्रिज का नज़ारा, बहुत हिलता है, जो कि उस साइड भी है एक ब्रिज जो कि बड़ा है, इससे भी बड़ा, जो कि अभी पोल दिख रहा होगा आप लोग को। अभी यहाँ पे देखो बाइक से आ रहा है, अभी साइड देना पड़ेगा। यही है इतना बड़ा देख सकते हो, जो कि इलेक्ट्रिक का जो होता है ना वायर, यही सेम दिख रहा है भाई, देख लो ये इलेक्ट्रिक का होता है ना, यही इतना बड़ा वायर है ना। और यहाँ पे हमारा दाई, हाँ कुछ बोल दीजिए ना, हाय गाइस बोल के, हाय गाइस स्टाइल से बोलते हैं भाई लोग, स्टाइल से। अभी और एक बाइक आ रहा है जो कि देख लो दूध बहुत हिलता है, ऐसे लिठिंग लिठिंग हिलता है, देख सकते हो ब्रिज। और हमारा भाभी जी देख सकते हो, अभी वो स्कूटर आ रहा है, स्कूटी। ये है नजारा यहाँ पे, जो कि सनलाइट देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है, लाइक सनलाइट को। एंड यही है कुछ नज़ारा। सो अभी जाएंगे यहाँ से निकल के घर पे भाई लोग, अभी इस ब्रिज का ना लाइक पूरा वहाँ पे जाके आएंगे, ठीक है। जो कि नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा नज़ारा आता है, जो कि नदी है सामने। एंड यहाँ पे जो कि है लोहे का ब्रिज है, एंड होप मुझे बहुत अच्छा लगा ये ब्रिज, जो कि पूरा लोहा का है। एंड यहाँ से ना लाइक बाइक्स भी क्रॉसिंग किया जाता है, जो कि उस पार से पीछे की साइड भी ले जा सकते हैं। पहले ना लाइक यहाँ पे ब्रिज नहीं था, जो कि अभी बनाया गया है ऐसा सुना है मैंने। एंड अभी देख सकते हो पूरा नज़ारा, जो कि ये पूरा लेक कितना अच्छा लगता है मुझे। और उस पार है जो कि इंडिया, एंड हम अभी इंडिया के बॉर्डर के सामने है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ऐसा ब्रिज में, जो कि अभी बाइक से आ रहा है पीछे से देख सकते हो। और यहाँ पे है पूरा एंड, जो कि इंड है यहाँ पे। हाँ यह है पूरा जो कि इसका एंड, उससे भी बड़ा जो कि ये जो ब्रिज है ना, इससे भी बड़ा ब्रिज है एक, जो कि दूर है बहुत ही, देख सकते हो उसका जो कि पोल इस साइड से इस साइड तक है, पोल देख रहे हो आप लोग, जो कि उस ब्रिज से ना लाइक इस पोल से ना दूसरे पोल जो है ना लाइक वो इंडिया है, जो कि इस साइड से उस साइड जाना पड़ता है इंडिया, जो कि उसी ब्रिज से जाते हैं अपने पर्सनल गाड़ी पे, लाइक बाइक स्कूटी कुछ जिसमें भी जा सकते हो उसी रास्ते से, ठीक है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं जो कि घर लौट रहे, अभी हम लोग यहाँ पे आया हुआ, बहुत टाइम हो चुका है, सो अभी जा रहे हम सब लोग घर, तो आप लोगों को अब। और यहाँ पे देखो भाई लोग, जो कि दो बंदा ना लड़ाई कर रहा है खेत में, देखो ये दो बंदा का ताकत ज़्यादा हो गया है, बोल दोनों बंदा एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है।
और ये है हमारे आज का कंटेंट, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो बताओ, ठीक है। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अभी जा रहे घर, जो कि भाई लोग मैंने कल ही नाम चेंज किया, ठीक है, जो कि रख दिया मैंने कबीर ब्लॉग्स। तो आप लोगों को ये नाम कैसा लगा बता देना, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो आप लोग कुछ भी अच्छा सा कमेंट कर देना, होप आशा है आप लोग करोगे। तो अभी चलते हैं, जो कि आगे आप लोगों को वहीं पे जाके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो और लड़ाई हो रहा है, जो कि वो एक है किचक और दूसरा है भीम, भीम और दूसरा किचक। भीम ने पूरा किचक को पिचका डाला। और यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट करने को जा रहा है। यहाँ पे आ चुके हैं जो कि दुकान में, एंड आप किना अकबा जो चटपटे खाना को, चटपटे आलू चॉप प्याजी कोरनी यहाँ पे भैया जी एंड भाभी जी, और यहाँ पे हमारे दूसरे भाभी, वहाँ पे भी है तीसरी भाभी। यहाँ पे चटपटे पूरा गोल बोल के पूरा लाल कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि अरे प्याजी, यहाँ पर देख सकते हो ये चटनी है, चटनी क्या है? एक बार खा के देखे ना। और उधर पे जो कि मटर वटर सब कुछ है। भाभी खट्टा मीठा नहीं खा। सुबह लोग अभी हम लोग जा रहे हैं घर, जो कि अभी आ चुके हैं बहुत आगे, एंड सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। सो होप आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ठीक है, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो भी चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग में, जो कि होने वाला है नेक्स्ट ब्लॉग, जो कि नेपाल का ही। एंड होप आशा करता हूँ आप लोग मुझे और सपोर्ट दिखाओ। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते, चलो लव बाय एंड सी यू, लव यू ऑल।